खुशी हो रही कि मैं दादा साहब लाहौर की इतनी बड़ी हस्ती आज मैं इसके साथ खड़े होकर आपसे बात कर रहा हूं। मेरे लाहौर के पाकिस्तानियों याद रखना, लाहौर में इस्लाम फैला था दादा साहब की वजह से, और दादा साहब वो अजीम इंसान सूफी थे जिन्होंने दो चीजों से इन लोगों को यहां मुसलमान किया था। और नौजवानों ये अपने जेहन में डाल लेना कि इस्लाम की बुनियाद ये दो चीजों पे है। सबसे पहले कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं, ये अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं का मतलब सुने लाहौर, ये मैं नौजवानों से बात करता हूं। एक मिनट, अभी नहीं। ख्वाजा जलाल खुदा का वास्ता बात कर देता हूं। देखो मैं पहले एक बात कर दू, देखिए मेरा काम है, मैं आपसे बड़ा हूं, मेरा काम है आपकी तरबियत भी करना। देखिए एक इंसान आता है, वोट मांगता है, आगे इक्तदार में बैठता है, अपनी जात को परवरिश करता है, पैसा बनाता है, और फिर इलेक्शन की तैयारी, और फिर लोगों से आके कहता है कि मुझे वोट दे दो। एक तो वो है, एक जो मैं, मेरा लीडर सबसे अजीम लीडर दुनिया का, तारीख में सबसे अजीम लीडर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरा पाकिस्तान का लीडर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, ये दो लीडर हैं मेरे, एक सबसे बड़े, एक कौम की हस्ती को क्या बयान करूं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन इन कायद आजम, इनकी मैं आपको बात करता हूं। कायद आजम सबसे पहले लाए लाए लला पे चलते थे, किसी इंसान के सामने, किसी ताकत के सामने झुकते नहीं थे। जो अल्लाह में ईमान रखता है, याद रखे, जो अल्लाह में ईमान रखता है वो कभी किसी झूठे खुदा, किसी खौफ, पैसा, कभी इसके सामने सर नहीं झुकाता, वो अपने जमीर के सामने खड़ा होता है। जो कायदे आजम थे, एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद इंसान था कायदे आजम। दूसरी चीज, जो इन्होंने, दाता साहब ने पैगाम दिया, वही आगे पैगाम दिया जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, वो ये था कि अगर एक चीज मुसलमान होने के लिए चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कई एक आदमी आया, पूछा कि जी मैं अपनी आदतें नहीं बदल सकता, कुरैश था, मैं मुसलमान होना चाहता हूं, सारा कबीला मुसलमान हो गया है, ए नबी मुझे एक चीज बता कि मैं अपनी आदतें भी ना छोड़ूं और मैं मुसलमान भी हो जाऊं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर एक चीज चाहिए तो सच बोलो, सच बोलो, सच में ताकत है। तो मैं नौजवानों ये चीज अपने जेहन में डाल लो, एक ईमान वाला आदमी कभी किसी खौफ की वजह से, वो कभी अपना जमीर पैसे पे नहीं बेचता, वो एक अजीम आदमी इसलिए बनता है क्योंकि वो सच और हक पे खड़ा होता है, वो राय हक पे खड़ा होता है। तो मैं आज आपके पास यह कहने आया हूं, आपने सबने इस वक्त
अगर मुल्क को बचाना है, जिधर ये चोर और डाकू मुल्क को ले गए हैं, मकरूज कर गए हैं, महंगाई की इंतहा है, बेरोजगार नौजवान फिर रहे हैं, एक तरफ अरबों अरबों रुपए बड़े प्रोजेक्ट्स पे खर्च करते हैं क्योंकि पैसा बनता है उनमें से, दूसरी तरफ लोगों के पास साफ पीने का पानी नहीं, लोगों के पास घरों में सीवरेज सिस्टम नहीं, नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में तालीम ऐसी है कि पढ़ के भी बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं, अस्पतालों में चार चार लोग एक बिस्तर पर पड़े हैं। तो ये वक्त है, मैं आप सबको आज कहता हूं, ये वक्त है, आपने अपनी तकदीर बदल ली है, आप सबने निकलना है, लोगों को तैयार करना है, 25 जुलाई के लिए तैयार करना है। बस जी 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 सुन ले, 25 को दिन परसों ओहो भी सुन तो लो, सुनो मुझे आपका जुनून याद आ रहा है, नजर आ रहा है, मैं जानता हूं ये लाहौर, सुनो ये पास ही आपके मेयो हॉस्पिटल है, उधर इमरान खान पैदा हुआ था, ये इधर हुआ था, मजलूमियत के, मैंने इंडियन फिल्म में भी इतनी मजलूमियत नहीं देखी जो ये आजकल शरीफ खानदान कर रहा है। सीधी बात है, आप पैसा ना चोरी करते आप जेल ना जाते, लोगों का पैसा चोरी करते हैं और फिर ड्रामे, पूरी इंडियन फिल्म वाली एक्टिंग हो रही है। मैं आपको बताता हूं, मैं जेल में हूं, नहीं नहीं अभी नहीं, सुन मैं पूरी तकरीर तो करूंगा आज इंशाल्लाह, आखिरी दिन है, 12 बजे कैंपेन खत्म हो रही है, 10:30 बजे इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी आखिरी तकरीर करूंगा 2018 की इलेक्शन की कैंपेन की। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको कहता हूं, मैं आप सब नौजवानों, आपको खास तौर पे मेरी बहनें, आपकी आपके लिए ख्वातीन, आपने बहुत बड़ा रोल प्ले करना है नए पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान में हमारी बहनों का बहुत बड़ा रोल है। मैं बच्चों आपको खास तौर पे कह रहा हूँ क्योंकि आप तो सिर्फ तहरीक इंसाफ की फौज है, आपने अपने माँ बाप को निकालना है, रिश्तेदारों को निकालना है, 25 को लोगों को निकालना है, और मैं भूल ना जाऊँ हमारी अकलियतें, हमारी जो मसीह बरादरी है, उन्होंने जान के इन्होंने एक फेक न्यूज दिया, यानी कि एक प्रोपेगेंडा किया है कि कहीं इमरान खान अकलियतों से सही बर्ताव नहीं करेगा। मैं आज सबको कहना चाहता हूं, मेरा जो रब है वो रब्बुल आलमीन है, सब इंसानों का खुदा है, मेरा जो लीडर जिसको मैं मानता हूं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, हम इंशाल्लाह सारे पाकिस्तानियों को बराबर का पाकिस्तान समझेंगे, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मसीह हो, जो भी हो, उन्होंने सबने हमारे साथ मिलकर इंशाल्लाह नया पाकिस्तान बनाएंगे, ये सबका आपका पाकिस्तान है। अब 25 के लिए तैयार हो, घर घर निकलोगे, अपने
बच्चों जो नौजवानों अपने माँ बाप को निकालोगे, नाना और नानी को निकालोगे, दादा को निकालोगे, सबको आपने निकालना है क्योंकि आपके मुस्तकबिल की जंग है। और इंशाल्लाह मेरा दिल कह रहा है कि ये जो फिरौनियत है, जो फिरौन थे यहाँ के लोग डरते हैं इनसे, पुलिस के लिए जुल्म करवाते थे, अब एक बॉक्सर जैसे लोगों से लोगों को कत्ल करवाते थे, लोगों पे कब्जे करवाते थे, इंशाल्लाह सारे लाहौर को और पंजाब को इन जालिमों से 25 तारीख को आजादी दिलवाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।